मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया, तो परमेश्वर का धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। आइए परमेश्वर की आराधना में जाएंगे, परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ भजनों पर आकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया हालेलुया जय यीशु जय मसीह की। परमेश्वर को स्तुति हो। आज सुबह का समय आप लोगों से मिलने के लिए परमेश्वर ने फिर से एक और मौका दिया, परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। और पिछले बहुत दिनों के बाद इसी वीडियो प्रोग्राम की द्वारा आप लोगों से मिलने के लिए परमेश्वर एक मौका दिया है।
मैं आपको तो अभी एक साथ तो देख नहीं पा रहा है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ आप लोग मेरा ये छोटा सा वीडियो को देख रहा है। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ऐसा हमको एक अच्छा एक मौका आज प्रदान किया है। मैं आज आपको परमेश्वर का वजन से शेयर करना चाहता हूँ। परमेश्वर का वजन से हम पढ़ने से पहले आज का हमारा इस समस्या के बारे में थोड़ा जानकारी हमको मिलना अच्छा लगेगा, क्योंकि पूरा दुनिया में अभी लोग परेशानियों में गुजर रहे हैं। लोग अलग अलग चीज़ों के बारे में सोच के अपने ज़िंदगी को मतलब कैसे आगे बढ़ाएंगे ऐसा सोच के परेशानियों में गुजर रहा है और भयभीत होके अपना जीवन बिता रहे। आप सभी लोग जानते होगा जो COVID-19 करके जो बीमारी जो कोरोना बीमारी अभी चल रहा है, वो उसी की वजह से पूरा दुनिया अभी उसी के पीछे ही चल रहा है। तो इसी वजह से ही मैं भी आपके सामने इसी वीडियो के द्वारा आना चाहता हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ वो कोरोना वायरस इसी दुनिया में फैल रहा है, उसका कोई इलाज अभी तक फाइंड आउट नहीं किया है। जो बड़ा बड़ा जो ज्ञानी लोग उसका तैयारियां चल रहा है, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं मिल पाया है। लेकिन इसी समय में जो परमेश्वर का भक्त लोग परमेश्वर से चुना हुआ लोगों के लिए परमेश्वर का वादा मैं आज आपको बताना चाहता हूँ और उसके लिए हम अभी पढ़ेंगे हमारा जो भजन संगीता से भजन संगीता 46। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल, संकट में आदि सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोगों लोग जल्ला उठाए, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे, वह बोल उठे और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसे कैसे उजाट किए हैं। वह पृथ्वी की चोर तक लड़ाइयों को मिटाता है, वह धनुष को तोड़ता और बाले को दो टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जो ये भजन संगीता में हम देखेगा तो उधर लिखा गया है जो परमेश्वर हमारा कौन है। परमेश्वर के बारे में तीन बात उसका जो पहले वजन में ही बताया गया है, बता रहा है परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है, ऐसा करके बताया गया है। जो भजन संगीता लिखने वाला जो कोरह के पुत्र लोग बता रहा है परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सो पहली बात जो परमेश्वर कौन है उसका उत्तर ये है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हम शरण स्थान के बारे में बहुत कुछ सुना है, परमेश्वर का जो शरण स्थान या शरण स्थान के बारे में हम देखेगा तो हमारा भारत देश में भी बहुत ज़्यादा राजा लोग शासन किया हुआ देश है और उसी समय उधर जो बहुत बड़ा महल वगैरह हमको देखने के लिए मिलते हैं और महल वगैरह देखने के लिए मिलते हैं और किलाएँ बना हुआ हमको देखने के लिए मिलेगा। जब भी हम कोई भी महल देखने के लिए जाते हो तो उसको चारों तरफ एक ऐसा एक दीवार बनाया हुआ है, एक बड़ा एक किला बनाया हुआ है। वो क्यों बनाया गया है, वो शत्रुओं से बचने के लिए, जो राजा को
प्रोटेक्ट करने के लिए वो किलाएं बनाया है। वैसे ही परमेश्वर का जो लोगों के लिए, परमेश्वर का भक्त लोगों के लिए परमेश्वर एक शरण स्थान है। हम अभी देखेगा तो जो बाइबल में हम देखेगा तो बहुत जगह पे परमेश्वर ऐसा लोगों को प्रोटेक्ट किया हुआ बातें हमको देखने के लिए मिलेगा। अय्यूब की जीवन में हम देखेगा तो अय्यूब का किताब हम पढ़ेगा तो उधर जो या परमेश्वर और शैतान के बीच में जो उनकी बातचीत में शैतान खुद ही बता रहे अय्यूब के बारे में, मैं कैसे उसकी जीवन में प्रवेश कर सकता है क्योंकि आपने उनकी जो पूर्व उनके चारों तरफ एक दीवार बनाया गया है ऐसा करके बताया गया है। सो वो शैतान खुद ही जानते हैं अपने परमेश्वर का भक्त लोगों के लिए परमेश्वर एक शरण स्थान बन के उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और ज़करिया का किताब हम देखेगा तो उधर ज़करिया खुद जो प्रोफेसी कर रहा है, मैं उसी दिन यरूशलेम के लिए एक वॉल ऑफ फायर बन के उनके साथ दे दूंगा ऐसा करके लिखे गया है। सो मैं आज एनकरेज करना चाहता हूँ प्रियजनों, वो परमेश्वर आपका और मेरा शरण स्थान है। जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में मान लिया है, उनके लिए इधर इस दुनिया का लोग नहीं है शरण स्थान, हमारे लिए शरण स्थान है हमारा परमेश्वर। और दूसरी बात जो भजन संहिता में हम देखने के समय भजन संहिता लिखने वाला बता रहे हैं, वो परमेश्वर हमारा बल है। हालेलुया, हमारा बल है, हमको जो सामर्थ देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, जो कमज़ोर लोगों को सामर्थ प्रदान करने वाला परमेश्वर। इसी समय में शायद आप लोग ऐसा एक परेशानियों से गुजर रहे होगा, आपका जो फिनेंशियल कैटेगरी आपका फिनेंशियल स्टेटस शायद अभी कम हो गया होगा और आपका फिनेंशियल स्रोत जहाँ से आपको आर्थिक स्रोत मिल रहा था उसमें कमी आया होगा। लेकिन मैं आपको इनक्रेज करना चाहता हूँ प्रियजनों, जो हमारा कमी होंगे समय भी हमको सामर्थ्य के आगे बढ़ाने वाला है हमारा परमेश्वर। हालेलुया, वो परमेश्वर बता रहा है मैं आपका सामर्थ्य दूंगा, मैं आपके साथ दूंगा। और तीसरी हम देखेगा तो इधर लिखा है संकट में आदि सहज से मिलने वाला सहायक है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है हमारा परमेश्वर। जब भी लोग अपने लोग जैसे एक परेशानियों में गुजरेगा तो उसी समय मदद के लिए एक मददगार के रूम में आने वाला है हमारा परमेश्वर। हम बाइबल में बहुत जगह पे हमको देखने के लिए मिलेगा परमेश्वर कैसे अपने भक्त लोगों को संभाला है। जब इसराइल लोगों को जब उन लोग मिस्र में दास के रूम में काम कर रहा था, लेकिन परमेश्वर उसका रोना हुआ और उनका परेशानियों को देखते हुए उनको छुड़ाने के लिए मूसा को परमेश्वर तैयार किया है। और मैं आपको इनक्रेज करना चाहता हूँ और उधर से उन लोगों को उधर से छुड़ाने के लिए मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। और हम देखेगा तो जो यहूदा का राजा जो हिजकिय्याह जब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, उनके चारों तरफ शत्रु लोग उनको परेशान कर रहा था, उसी समय वो परमेश्वर से प्रार्थना किया। एक ही रात के अंदर एक स्वर्गदूत की आगमन की वजह से उधर का 185,000 लोगों को एक रात में ख़त्म करके अपने लोगों को संभाला है। प्रियजनों, ऐसा एक परमेश्वर है, वो परमेश्वर बता रहे हैं मैं आपका संकट में आदि सगज से मिलने वाला सहायक हूँ। हालेलुया, वो परमेश्वर के बारे में हमने सीखा है, वो परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, हमारा बल है और वो आदि सगज से मिलने वाला सहायक है हमारा परमेश्वर। वो परमेश्वर हमारे बारे में बता रहे हम कौन है उसकी बारे में भी इसी भजन संहिता में हमको देखने के लिए मिलेगा। और उसका दूसरी भजन में हम देखेगा तो उधर बताया गया है इस कारण हमको कोई भय नहीं है, हम डरने वाला नहीं है, हम तो धीरज रखने वाला और हमेशा सामर्थ से चलने वाला लोग है, हम इस कारण डरेंगे नहीं है। और दूसरा और तीसरी या चौथी वजन हम देखेगा तो उधर इसी दुनिया में जो समस्या चल रहा है वो पूरा समस्याओं के बारे में बता रहे हैं और बोल रहे हैं क्योंकि वो परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, वो परमेश्वर हमको बल देने वाला है और संकट से संकट के
समय में आदि सगत से मिलने वाला सहायक है हमारा परमेश्वर। इसी वजह से जो संगीत ये जो भजन संगीता लिखने वाला बता रहा है, मैं हम कभी भी डरेंगे नहीं है। तो मैं आपको इनक्रेज करना चाहता हूँ, यीशु मसीह एक खून से हम परमेश्वर हमको चुन लिया है और हमको छुड़ाया है। जो छुड़ाने वाला लोग है, जो छुड़ाया हुआ लोग है यीशु मसीह का, जो लहू से अपने पापों को धोने वाला लोग कभी भी डरपोक नहीं है। उन लोग हमेशा धीरज रखे आगे बढ़ने वाला लोग है। इधर भजन संगीता के साथ संगीता लिखने वालों के साथ हम भी बोलना है, इस कारण मैं नहीं डरूंगा। चाहे कोई कोरोना आ सके, चाहे कोई ऐसा साइक्लोन आ सके, चाहे कोई बीमारी आ सके, फिर भी हम डरेंगे नहीं है, क्योंकि जो पहले वचन में बताया गया वो परमेश्वर हमारे साथ हैं। और तीसरी में हम देखेगा तो उधर बताया गया है, आदि सगत से मिलने वाला एक सहायक है हमारा परमेश्वर। संकट के समय में हमारा आदि सगत से मिलने वाला सहायक है, एक अच्छा एक मददगार है हमारा परमेश्वर। वो हमारे साथ दे देंगे ऐसा करके वादा कर रहा है। हालेलुया, हम जहां पर भी देख लीजिए वो परमेश्वर का जो प्रोविजन हमेशा अनएक्सपेक्टेड वे में होते हैं। जब हम सोचते हैं उससे बढ़कर और हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे बढ़कर हमारे लिए काम करने वाला एक मददगार है हमारा परमेश्वर। हम कभी कभी सोचते हैं हमारा ये आदमी या मेरा रिश्तेदार में वो आदमी मेरे को सपोर्ट करेंगे, शायद मेरा ये दोस्त मेरा एक सहायक बन सकता है। लेकिन मैं आज इसी समय में आपको इनक्रेज करना चाहता हूँ और आपको मैं एक और बार याद दिलाना चाहता हूँ, वो उन लोग नहीं है हमारा सहायक। हमारा सहायक है हमारा परमेश्वर है। हम जैसे भजन संगीता 121 में पढ़ने के समय उधर बता रहा है, मैं मेरा आंख को पर्वत की ओर देखूँगा, मेरा सहाय कहाँ से आएंगे, और मेरा सहाय ये आकाश और पृथ्वी को बनाने वालों से आते हैं। हालेलुया, वही परमेश्वर बता रहा है, मैं आपका संकट के समय में आदि सगत से मिलने वाला सहायक हूँ। और इधर हम देखेगा तो दूसरी बात भी हमको देखने के लिए मिलेगा, वो परमेश्वर बता रहे ये हम कौन है। वो भजन संहिता लिखने वाला एक बात तो बता दिया है, वो हम डरने वाला नहीं है। दूसरी बात ये है, वो परमेश्वर हमारे संग रहने वाला, परमेश्वर के साथ रहने वाला लोग है हम, परमेश्वर हमारे बीच में रहते हैं, वही एक झुंड है हम लोग। सो हम उसकी जो पांचवी वजन पड़ेगा तो उधर अच्छी तरफ लिखा है, और सातवीं वजन में भी लिखा है, जहाँ सातवीं वजन में पांचवीं वजन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर उस नगर के बीच में है, और सातवीं वजन में लिखा है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है बताया गया है। प्रियजनों, वो परमेश्वर हमारे छोड़ के जाने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर। वो परमेश्वर हमारे जो आदि संकट की आदि परेशानियों के समय में हमारे मिलने वाला हमारा मददगार परमेश्वर है। संकट के समय में आदि सहज से मिलने वाला सहायक है हमारा परमेश्वर। वो परमेश्वर बता रहे हैं, मैं आपके साथ रहूँगा। हालेलुया, हमारे साथ एक परमेश्वर है। शायद हमारा मम्मी पापा हमारे साथ नहीं होगा, हमारे दोस्त लोग हमारे साथ नहीं होगा, या हमारे जो पड़ोसी लोग हमारे साथ नहीं होगा, शायद हमारा गांव का लोग हमारे साथ नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर बता रहे हैं, मैं आपके साथ दूंगा, क्योंकि आप मेरा पुत्र है, आप मेरा झुंड का एक अंग है, और आप मेरा राज्य का वारिश है, इसलिए मैं आपके संग रहूँगा। हालेलुया, मैं आपको इनक्रेज करना चाहता हूँ, वो परमेश्वर हमसे चाहते हैं एक बात, वो भी मैं बोल के ये छोटा भाषण बंद करना चाहता हूँ। उसका दसवीं भजन हम देखेगा तो उधर भजन संगीता लिखने वाला जो प्रॉफिट रूम में बता रहे हैं, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। हालेलुया, वो परमेश्वर खुद बता रहे हैं, आप चुप हो जाओ, आप इतना प्रॉब्लम से ऐसा इधर उधर भागने का ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा
चिल्लाने का जरूरत नहीं है। आप फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में सोच के आपको डरने का बात नहीं है। और उधर बता रहे हैं, चुप हो जाओ और जान लो मैं ही परमेश्वर हूँ। हमको परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर को हर दिन हमको ढूंढना है। परमेश्वर से हम कुछ सुनना है। परमेश्वर से हमको हर दिन प्रार्थना करना है और परमेश्वर से सुन के हमारा जीवन को आगे बढ़ाना है। जो लोग परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं देते हैं, जो परमेश्वर को ढूंढने के लिए और परमेश्वर से बातचीत करने से दूर रहते हैं, उन लोगों के जीवन में उन लोग डरते ज़्यादा हैं और उन लोग ऐसा परेशानियों में गुजर जाते हैं। यदि आपको परमेश्वर के पास जाके परमेश्वर से प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर बता रहा है, मैं ही आपका परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ, ऐसा करके वो वचन बता रहा है। प्रियजनों, वो परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं। वो परमेश्वर का खोजी बन के आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। और हम ऐसा एक किताब उसका दूसरी चैप्टर का 11वीं वचन में देखेगा तो भी बताया गया है, अहंकारी लोग धरती पर लाज से सिर नीचे चुक लेंगे, उस समय केवल यहोवा ही ऊंचे स्थान पर विराजमान होगा। हालेलुया, वो परमेश्वर हमसे बता रहे, चुप हो जाओ और जान लो मैं ही परमेश्वर हूँ। हालेलुया, इस दुनिया में हम देखेगा तो जो लोग अलग अलग देश का लोग अपने अपने जो शक्ति में प्राउड था, उन लोग घमंड कर रहा था, हमारे पास ये है, हमारे पास संपत्ति है, हमारे पास जो युद्ध के लिए हम सक्षम है, हमारा देश को कोई हरा नहीं सकता, ऐसा भी घमंड कर रहा था। लेकिन एक छोटा सा एक वायरस से ये लोग आज परेशान में गुजर रहा है। उन लोगों को पता नहीं हो रहा है क्या आगे के लिए क्या करें, आगे के लिए हम क्या कर सकता है, ये वायरस को हम कैसे रोक सकता है। प्रियजनों, बाइबल कहते हैं अहंकारी लोग धरती पर लाज से सिर नीचे चुक लेंगे, उस समय केवल यहोवा ही ऊंचे स्थान पर विराजमान होंगे। हालेलुया, वो परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, वो परमेश्वर बता रहे हैं, ये कोरोना, चाहे कोरोना आ सके, चाहे साइक्लोन आ सके, चाहे गरीबी आ सके, चाहे बीमारी आ सके, लेकिन आपको कुछ भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर को जानना बहुत ज़रूरी है। यदि हम परमेश्वर को जान के आगे बढ़ाएगा तो वो परमेश्वर जरूर हमारे एक शरण स्थान बन गए और वो परमेश्वर हमारे जो बलहीन अवस्था में बल दे के और वो परमेश्वर हमारा संकट के समय में आदि सदस्य मिलने वाला एक सहायक बन के हमारे साथ देंगे। और क्या हम परमेश्वर का खोजी बनने के लिए हम तैयार हो जाएं? यदि हम तैयार होगा तो परमेश्वर का आशीष हम प्राप्त कर सके। इस भजन से परमेश्वर हम सभी लोगों को आशीष करें। और आइए हमारा सिर झुकाएं और परमेश्वर से बताएं, परमेश्वर मैं आपका खोजी बनना चाहता हूँ, मैं आपका मेरे जीवन का एक शरण स्थान बनाना के लिए समय देना चाहता हूँ। प्रियजनों, हमको कुछ भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर बता रहा है, मैं आपका शरण स्थान बन जाऊँगा, मैं आपका एक बल देने वाला परमेश्वर बन जाऊँगा, मैं आपको सहाय करने वाला एक मददगार के रूप में दे दूंगा। आइए सिरों झुकाए और दुआ करें। परमेश्वर पिता, हम आपको चरणों में आते, आप महान परमेश्वर हैं, स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। और प्रभु जी, आपने बताया है सेनाओं का परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर है। प्रभु जी, हमारा दृढ़ गढ़ परमेश्वर है। प्रभु जी, आ हमारे संग में है परमेश्वर। और प्रभु जी, आ हमारा शरण स्थान है प्रभु जी। इसीलिए प्रभु जी, हमको कुछ भी चीज़ों से हम डरने का कोई बात नहीं है परमेश्वर। हम डरेंगे नहीं है प्रभु जी, क्योंकि आ हमारे संग में है परमेश्वर। और प्रभु जी, हम प्रभु जी आपके साथ ही हमारा जीवन बिताएंगे प्रभु जी, क्योंकि आप महान परमेश्वर है। जो प्रभु जी आज वचन सुना, सभी लोगों को
आपका हाथ में सौंप देते परमेश्वर। जो लोग अभी जो परेशानियों में गुजर रहा है परमेश्वर, कुछ लोगों का नौकरी चला गया परमेश्वर, कुछ लोगों का प्रभु जी हार्दिक स्रोत प्रभु जी, कुछ लोगों का बिजनेस प्रभु जी टूटा हुआ परमेश्वर, और प्रभु जी कुछ लोगों को प्रभु जी दूसरी तरीका से परेशान हो रहे परमेश्वर। आप सभी को जानते परमेश्वर, आप उनके लिए रास्ता खोलने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। इस संकट की घड़ी में परमेश्वर आप साथ दे के आगे बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो बीमारियों से प्रभु जी गुजर रहे परमेश्वर, जो प्रभु जी आर्थिक स्थिति से प्रभु जी कमजोर है प्रभु जी, और प्रभु जी दूसरे लोग प्रभु जी ऐसा प्रभु जी दूसरी परेशानियों में गुजर रहे परमेश्वर, सबको आपका हाथ में सौंप देते परमेश्वर। आपका प्रभु जी बलवन हाथ से प्रभु जी आप आशीषित करने के लिए, और प्रभु जी आपके नाम से यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हम आशीष करते हुए प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ। सबको प्रभु जी आप आशीष से भरपूर करने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। सारे महिमा और प्रशंसा हम आपको देते यीशु मसीह के नाम से मान दे सुनो और ग्रहण कीजिए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।